किधर है? ये ना तो यही है क्या? पे है और इट्स लाइक सच अ कूल वाइब एज यू कैन सी. और मेरा तो फेवरेट चीज़ है बिकॉज आई गेट ब्रेड्स, सैंडविचेस एंड लॉट मोर ब्रेड विथ कोल्ड कॉफी. इट इज सो कूल. मतलब ये सारी जगह एक्चुअली ओपन्ड बाई वेस्टर्न्स एंड देन रन बाई गोवंस जैसी है. एंड आई जस्ट लव द मेडिटेरियन इटालियन. मेरे लिए तो 100% विन है. एंड गौरव काइंड ऑफ हैव स्टार्टेड टू लाइक विद मी क्या मेडिटेरियन इटालियन फूड. आज हम लोग को होटल में नहीं करना था ब्रेकफास्ट बिकॉज वहाँ पे इतना कुछ है नहीं और ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है फॉर ब्रेकफास्ट. सो वी थॉट हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे और दिन यहाँ से शुरू करते हैं. सो मेरा द बेस्ट थिंग मेरा फेस is not a balloon yet from sunburn. हमें को उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज और 4 दिन है हम लोग गोवा में. एंड साउथ गोवा वी आर प्लानिंग अ लॉट टू बी ऑन द बीच. सो लेट्स सी बट कांट वेट फॉर दैट. दिस इज अ काउरी वियतनामीज़ कॉफी. काउरी इज बेसिकली द टाइप ऑफ कॉफी एंड इट्स अ वियतनामीज कोल्ड कॉफी. I have a baguette with Mediterranean feta cheese, tomato, mushroom on bread, and fry is already gone, one coffee is already gone, and I've saved up my coffee. Not 10 baje se pehle aa jaiye, otherwise you'll have to be waiting here for like at least an hour. Wo bhi Monday ko. Haan, that's also on Monday. So the server was just telling us that संडे को कल 9 o'clock से लोग आ चुके थे एंड द वेटिंग वॉज फॉर 2 hours 3 hours फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock. बट एक्चुअली अगर आपको यू लाइक सैंडविचेस एंड सम वॉट लाइक यूरोपियन इंग्लिश ब्रेकफास्ट दिस इज लाइक द बेस्ट प्लेस आई हैड. और बहुत ही सुपर है लाइक सस्टेनेबल एंड एवरीथिंग दैट. ऑल्सो नॉर्मलाइजिंग बाहर जाना ऑयल्ड है एंड नोबडी गिव्स अ शिट सो यू कैन डू दैट. गौरव और नमन स्विमिंग पूल में गए. द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग एट रिस्क ऑफ गेटिंग सनबर्न. आई हैव नो चांस ऑफ डूइंग दैट. वापस वही सेम कगार पे जो एक साल पहले थे. मैंने क्या किया वे साले? इज द सेम. लास्ट ईयर भी यही टाइम पे हम न्यूज चेक कर रहे थे कि अच्छा हम लॉकडाउन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कब होगा क्या होगा, न्यूज ये बढ़ रहे हैं और अभी भी वही चेक कर रहे हैं हम लोग. नहीं होगा रे लॉकडाउन, टेंशन नहीं ले. टेंशन क्या अभी गोवा में है और क्या करेगा अभी. मतलब लॉकडाउन लगाएगा तो इंटर सिटी ट्रैवल में लॉकडाउन लगाएगा वो. मतलब विद इन सिटी ट्रैवल लॉकडाउन लगाएगा वो. स्टेट में मेरे हिसाब से वो इंटर स्टेट में नहीं लगाएगा. वो ये बोलेगा जरूर कि तुम लोग जो जो आ रहे हैं वो 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा, ये जरूर बोल सकता है. देखते हैं अभी क्या है, पता नहीं. हेलो गाइज, वेट्स बहुत लंबा ब्रेक हो गया आज के दिन में. तो हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके आए एंड एज यू सॉ गौरव और निमित पूल में थे. और एक्चुअली निमित और सलोनी बोथ ऑफ देम आर लीविंग टुडे, वर लीविंग टुडे. और उनका ट्रेन था 6 बजे का. सो हम लोग सिर्फ बैठे हुए थे. इन्होंने काफ़ी 2-2.5 घंटा पूल में निकाल लिया और हमने थोड़ी बड़ी गेम्स वेम्स खेली एंड देन दे वर जस्ट लाइक इन अ रश ऑफ लीविंग. तो तब से लेके हम सिर्फ
मूवीज या व्लॉग्स देखे जा रहे हैं लोगों के. और तो अब यहीं पे बागा कलंगुट के आसपास में आई हैव वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स, तो हम आ जाएंगे शायद एंड वील जस्ट लाइक हैव सम डेजर्ट्स और थोड़ा सा खाना. वेल दिस इज द प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट, इन्फेंटेरिया. और ये बहुत ही पुरानी जगह है एंड इट्स लाइक राइट इन द मिडल ऑफ बागा स्ट्रीट और whatever that the busy street called. And this is the I think my 5th ya 6th baar rahega aur ye itne saalon mein pehli baar hai jab maine isko itna khali dekha hai. Mera itna bura lag raha hai mereko that I mean it's really sad. It's because sirf dessert khana tha. Yahan ki cakes are amazing, so maine yahan pe cheesecake khaya. Aur चेंज हमने देखा कि अब पुलिस बहुत खड़ी है यहाँ पे. देर आर लॉट ऑफ पुलिस जो ये कर रहे हैं यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं फॉर सेफ्टी ऑफ एवरीवन एंड दैट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग बिकॉज वो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी था. ऑलराइट गाइस, थकान हो गई अब काफ़ी ज़्यादा और अपनी सारी कैलोरीज बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं करके और डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई एम ऑफ टू बेड, सो सी यू टुमारो इन साउथ गोवा. सो गुड नाइट. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग. स्टे इंस्पायर्ड एंड डू व्हाटएवर यू लाइक. सी यू टुमारो.